ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल अब तक सिंह राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 18 अगस्त 2023 सायंकाल 3:58 पर कन्या राशि में प्रवेश। मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। देखिए मित्रों, गत वीडियोस में भी हम आपको बताते हैं, मंगल का सीधा संबंध आपके युद्ध वीरता, साहस, पराक्रम, आप लड़ाई झगड़ा, अस्त्र शस्त्र, हथियार, पुलिस, फौज, मिलिट्री, उच्च पदों की प्राप्ति, सेनापति पद, मंत्री पद, यह सब आपको मंगल से प्राप्त होता है। भूमि पुत्र है, भाई के भी कारक है, दक्षिण दिशा के स्वामी है अग्नि तत्व। सर्जिकल आइटम्स, डॉक्टर जो चीरफाड़ ऑपरेशन करते हैं, अग्नि से संबंधित कार्य है आपका, फार्मा सेक्टर, मेडिसिन से रिलेटेड, इन सभी क्षेत्रों को मंगल देखते हैं। शुभ स्थिति जांच होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है, उच्च पदों की प्राप्ति उसको होती है, के अंदर बहुत पराक्रम साहस रहता है। अशुभ स्थिति होने पर समय समय पर आपके आत्मविश्वास में कमी आती है, आपके पराक्रम का वास होता है और इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा संघर्ष की स्थिति बन जाती है। मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर गए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाए, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। मित्रों, इस वीडियो में हम जानकारी देंगे मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। यहाँ पर चौथे भाव में आपके मंगल संचार करेंगे, जो कि शत्रु राशि में बहुत शुभ स्थिति नहीं है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो, नहीं तो कोई वाद विवाद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे कोई वार्तालाप या अर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें, नहीं तो माता जी की तरफ से कोई लॉस कोई नुकसान हो सकता है। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, समय समय पर थोड़ा शांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, संतान पक्ष को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो मित्रों थोड़ा सावधानी बरतिए, थोड़े उपाय कीजिए, अंत में आपको बताएंगे। अब मंगल जहाँ बैठते हैं चौथे भाव को और सातवें भाव को और अष्टम भाव को देखते हैं पूर्ण दृष्टि से, तो यहाँ पर जो इनकी चौथी दृष्टि पड़ी आपको सेवंथ हाउस पे पड़ी, और चूंकि आपके सेवंथ हाउस के लॉर्ड भी आपके इलेवंथ हाउस में, तो यहाँ एक शुभ स्थिति है। यहाँ पर पति पत्नी के बीच में अगर कोई मतभेद डिफरेंसेस चल रहे थे वे दूर होंगे, संबंधों प्रगाढ़ता मजबूती आएगी, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे वहां से भी आपको राहत रिलैक्स मिलेगा, एक दूसरे का लाभ मिलेगा। नए विवाह शादी के संबंध आपके हो सकते हैं, प्रयास कीजिए, कोई विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं, कोई सगाई हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, शादी हो सकती है, और प्रेम संबंध कई चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। थोड़ा सा तरक्की उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ा संघर्ष प्रयत्न आपको अधिक करना पड़ेगा, पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे भी कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, मौन रहे अगर इस किस्म की स्थिति क्रिएट हो, उनका आशीर्वाद बनाए रखे, नहीं तो पिता की तरफ से भी कोई लॉस कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। विदेशों की यात्राओं में रुकावटें व्यवधान आ सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है, आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी रह सकती है, थोड़ी मेहनत प्रयत्न संघर्ष आपको यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा, लेकिन करियर व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति आपके फेवर में रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। क्योंकि यहाँ पर मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, संपूर्ण दृष्टि अच्छी स्थिति है करियर व्यवसाय को लेकर, आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें कोई तब्दीली कोई चेंजेस लाना चाहें तो आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है और ऑलरेडी वहाँ पर वर्गुरु भी संचार कर रहे हैं, तो बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, और जो बड़े भाई बहन मित्र और गेज में आपसे बड़े हैं उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग नए संबंध स्थापित होंगे, लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति, यहाँ से आपका पैसा आता धन आता, जो रुकावटें आ रही थी जो दान आ रहे थे दूर होंगे, धन की प्राप्ति होगी, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। मित्रों, यहाँ पर
जो स्थिति आपकी बन रही है, परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको मिलेगा, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि हो सकती है, भविष्य के लिए निवेश करना चाहे आप कर सकते हैं, शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कोई बीमारी की और कर्जे की स्थिति से जूझ रहे हैं वहां से भी आपको राहत मिलेगी, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर वहां पर मिलेगा। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है, लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता टेंशन थोड़ी परेशानी आपके साथ क्रिएट हो सकती है, संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है, विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप यथावत जैसे है अपनी पढ़ाई अपना प्रयत्न आप कर रहे हैं, डिग्री मास्टर डिग्री करते रहिए, थोड़े समय की बात है, आज जो प्रयास करेंगे कल निश्चित रूप से आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। एक बार आप अपनी लग्न कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर, क्योंकि आपकी जो लग्न कुंडली जन्म कुंडली होती है वह आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म का दर्पण है, मिरर है, आईना है। सटीक फलादेश तभी आपको प्राप्त होते हैं जब आप दोनों चीजें टैली करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली तो आपकी होती नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम चंद्र राशि के ऊपर फलादेश करते हैं, और एक ही राशि के लगभग 10-12 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में होंगे, तो जाहिर सी बात है सबको एक जैसे फल प्राप्त नहीं होंगे जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग। तो मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवत है यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक तरक्कीदायक उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तब संभवत है थोड़े ग्रहों के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, कठिनाइयां परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो मित्रों, कुंडली का विश्लेषण कराने के साथ साथ आप एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, और ओम क्रांग क्रीं क्रौं से भौमाय नमः एक माला इस मंत्र का जाप करें, हनुमान जी को लाल बूंदी का या गुड़ से बना कोई भी नैवेद्य चढ़ाएं, शुद्ध सात्विक भोजन करें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।